दल के सभी साथियों का बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हमारे साथ चौधरी अब्दुल करीम साहब हैं, जो इस्लामपुर विधानसभा सीट से अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इस इलाके के सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। इस उम्र में भी ये चुनाव प्रचार कर रहे हैं सर, 10 दफा चुनाव। क्या बहुत ज्यादा उम्र लगता है क्या? बिल्कुल दिल तो बच्चा है, है? उम्र तो लगता नहीं है, उतना उम्र तो हमको नहीं लगता है। अच्छा, ये बात है, जज्बा जोश जुनून जो होती है, ये जो हम पहले 69 में थे वो अभी तक होती है। 1969 में हम इलेक्शन पहला लड़े थे और तब से एमएलए होते आए हैं, 10 बार इलेक्शन जीते हैं जी, 15 बार है, 14 बार में 10 बार जीते हैं, ये 15 बार भी जीतने जा रहे हैं हम लोग। आखिर आपके पीछे जो वो कौन सी एनर्जी है जो आपको एकदम फील? वो अल्लाह के देन है, थी और कुछ नहीं। वो कौन सा काम है जो अब तक बाकी रह गए हैं जो आपको चुनाव लड़ना भी पड़ रहा है? पता है क्या, ये बहुत तो काम बाकी रहता है, बहुत काम। ये 10 वर्ष में जो काम हम लोग ममता बनर्जी ने किया है, जो 25-35 में कुछ नहीं हुआ था, वही काम ममता बनर्जी करते करते इतना दूर पहुंचा दिया है अभी, जो और भी जो कुछ ममता बनर्जी करते हैं कि जो हम कर दिए हैं अब इसको 69 करेंगे। 69 में और ज्यादा, इसलिए हमारे यहाँ बात ममता बनर्जी का जो रोल रहा उत्तर पूरे पश्चिम बंगाल में कि ये एक यादगार रहेगा कि ममता बनर्जी ही ऐसी है जो इस किस्म के कहते सारे भारत में जितना 28 राज्य है कोई भी राज्य में ऐसा मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर सका है। हम तो अपने आँख से देखे हैं 1969 से लेकर आज तक हम देखे हैं 5 मुख्यमंत्री को, 5 मुख्यमंत्री 5 वजीराला बोलते हैं, ये 5 मुख्यमंत्री को जो हम देखे हैं, इसमें से पहला मुख्यमंत्री अजय कुमार मुखर्जी 69 साल में देखे थे, 72 में देखे सिद्धार्थ शंकर राय मुख्यमंत्री को, उसके बाद 77 में देखे हम ज्योति बासु मुख्यमंत्री को, उसके बाद 98 में देखे इसको क्या सुना बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को, और उसके बाद 11 से हम 2011 से देखे हम ममता बनर्जी को। आज तक हम जो देखते हैं कि जो 5 ये 10 वर्ष में जो ममता बनर्जी जो काम किए पब्लिक के लिए, जनता के लिए, गांव-गांव के लिए, ग्रामों के लिए, माँ बहनों के लिए, बच्चों के लिए, वो सब क्या बोलते हैं नदीर विहीन बोलते हैं इसको, माने बेमिसाल है। बंगाल से लेकर पूरे भारत में इस किस्म से कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा काम नहीं दिखाया है, यहाँ तक कि यूएनओ से उनको रिवार्ड मिला है कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जो आपने किया है इसे भारत में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं किया है, दुनिया का कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं किया है, ऐसा क्या है, इसलिए उनको रिवार्ड दिया गया। इतने साल राजनीति करने के बावजूद भी आज आप ममता बनर्जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं जबकि आपको अपनी आइडेंटिटी है, इस आधार पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? इसलिए कि पश्चिम बंगाल में जो वो मोदी लोग जो आया गुजरात के आए हैं, वो लोग आकर के यहाँ पर दापट करेगा, दापट समझते हो, इन्फ्लुएंस दबदबा और रखेगा, उन लोग का दबदबा में चले हम लोग का बंगाल रहेगा। अच्छा, उन लोग का दबदबा में हो रहा है जिसकी वजह से रोकना चाह रहे हैं और ममता के नाम पर पोलराइज की बातें नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे जो हिंदू भाई जो है सेक्युलर है बहुत लोग, सब लोग को बचाना है, इसलिए सब लोग कुछ लोग चर्च देते हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारा हिंदू भाई यहाँ के हैं, मुसलमान भाई हैं, ये लोग सब सेक्युलर माइंड के हैं कि हम लोग मिलजुल के रहो, एक साथ में हम लोग काम करो। ममता बनर्जी एक नेत्री है जो सबको लेके चलती है, 10 करोड़ आदमी यहाँ पर, 9.5 करोड़ आदमी को वो खाना पहुँचाया है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं कहेगा कि ममता का कोई भी प्रोजेक्ट से या स्कीम से हम वंचित हैं, हर चीज है, ऐसी बात है। लेकिन इस्लामपुर तो अभी भी बहुत वंचित है, जिन रास्तों से हम होकर के आए ये बड़े नैरो लाइन हैं, जबकि इन रास्तों को बड़ा एकदम अपग्रेड होना चाहिए था, तो कुछ ऐसे काम बचे हैं इतने सालों में या नहीं ये बताइए? नहीं, अब कब आइडियल जोन बनेगा इस्लामपुर का? जो जरूरत है एक सब डिविजन को जी, वो पूरा हुआ है। इस्लामपुर कॉलेज चाहिए, कॉलेज हुआ है, इस्लामपुर का 10-25 हाई स्कूल चाहिए हुआ है, इस्लामपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इस्लामपुर में जनरल हॉस्पिटल है, बड़ा सब डिविजनल हॉस्पिटल है, उसके बाद वहाँ पर वही आईटी कॉलेज है, टेक्निकल पॉलिटेक्निक कॉलेज है, बाजार मंडी है, जो जहाँ तक बाजार लगेगा वैसा नहीं है, काफी चीजें काफी बहुत कुछ किया गया है, लेकिन कुछ चीजें बची हुई है जो आपको करना आगे की राजनीति। और क्या क्या बचे हैं? कुछ बचे नहीं, सिर्फ हमारे ये कह के इस्लामपुर सब डिविजन जो है अब 50-60 वर्ष में अब इसको हम लोग जिला करना है। था कि जब चौधरी साहब के नाम से लोगों को वोट मिलते थे, आज ये लोगों के बीच में है, तो वो जो जलवा था आपका वो अब भी बरकरार है? एकदम है, इसके पीछे का राज क्या है वो बताइए। करीम चौधरी भी वही, ममता बनर्जी वही, एक ही है।
दोनों एक ही गरीब जनता की वो हमदर्द है। बस चलिए, आपके पास वक्त कम है, आखिर में क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे? कि लोग जो है यहाँ पर हमारे इस्लामपुर विधानसभा केंद्र में ये कहा जाता है, जो सुनते हैं कि पूरे उत्तर बंगाल में जो अभी 54 सीटें हैं वो 54 सीटों में सबसे ज्यादा वोट से हमारे इस्लामपुर जीतने जा रहा है। अच्छा, आप जीतने जा रहे हैं, आपका दावा है? लेकिन दावा नहीं है, यहाँ के लोगों के कहने है। अच्छा, कहना है, लेकिन चैलेंज तो बीजेपी से है या कांग्रेस से? अभी बीजेपी जो पाया था वोट आगे, वो वोट डाउन में चला जाएगा। अच्छा। क्योंकि बीजेपी का क्रेज और नहीं रहा। अच्छा। खत्म हो गया। ये लोग जो आकर के ममता को क्या पांव तोड़ करके वोट लेने मांगता है, लोग बिगड़ गए हैं। अच्छा, आजकल बड़ा नारा पॉपुलर है, खेला होवे, तो आप क्या बोलेंगे? लोग तो कहते हैं क्या खेला होवे, क्या क्या उन्होंने खेला, तरक्की खेला, इसी को बोलते हैं तरक्की खेला होगा। अच्छा। ममता बन जाए बहुत और भी उन्नयन करे क्या जाएगा, इसी का खेला होगा। और तो फिलहाल राजनीति से संन्यास का कोई मकसद नहीं है, बाल बच्चों को आगे बढ़ाना अभी कोई ये नहीं है। मतलब सब जब तक जोश है तब तक आप चलते रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। चले, तो ये थे करीम चौधरी साहब। जी 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 जी, और कुछ बोलना चाहते हैं? हमारा क्या बस हमारे कुछ बोलना चाहते हैं फ्रीली लोग, हम वही कहते थे कि लोग तमाम ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना के रखना चाहता है पश्चिम बंगाल में शांति के लिए और उत्तर बंगाल और पूरे पश्चिम बंगाल में तरक्की के लिए, उन्नति के लिए उनका ख्याल। अच्छा, लास्ट में एक सवाल, इस्लामपुर के लिए क्या सपने आपके हैं जो आगे आप पूरा करना चाह रहे हैं? इस्लामपुर में, एक ही लोगों का दिमाग है कि हम लोग का जिला कर दीजिए। तो ये सर, अच्छा, जिला कर दीजिए, ये बात। हाँ, जिला है इस्लामपुर में, एक महिला कॉलेज की दावी है, बस ये दो चीज हमको चाहिए। अच्छा, और इस्लामपुर जो है इस इलाके का जोन बने, एक हब बने, एजुकेशनल हब बने, इस तरह का कोई ड्रीम? वो तो होता ही है, जब होता है स्टेप बाय स्टेप जो तो होगा हम लोग करेंगे। हाँ। लेकिन हम लोग का जो अभी जिला हो जाने से एक तो इंडिपेंडेंट एरिया, अभी पुलिस जिला है, इंडिपेंडेंट एरिया अभी, अभी पुलिस जिला है, डेवलपमेंट के वास्ते पुलिस है जी, पुलिस जिला तो है ही, पुलिस जिला है, सुपरिटेंडेंट हमारा है अपना। जिला चाहिए इनको, एक जिला में दो चीज होता है, डीएम और एसपी जी। तो एसपी वाला पोर्शन हम पा गए हैं। अच्छा, अब डीएम वाला पोर्शन बाकी है। अच्छा, तो बिहार के तर्ज पर ताकि विकास हो, डीएम वाला पोर्शन आ जाए हमारा फुल फ्लेज्ड डीएम या डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अच्छा, इतनी बात, यही एक सपना है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में अगर सत्ता में वापसी होती है ममता बनर्जी की, आप फिर कैबिनेट पर काबिज होंगे, मंत्री बनेंगे, ऐसा माना जा रहा है। वो तो हमारे चीफ मिनिस्टरी पर बात है ना, वो जिसको चाहेंगे बनाएंगे, जिसको चाहेंगे उसी के मर्जी पर बात होती है। एक चीफ मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ द हाउस, वो जैसा फिलहाल कोई हिंट देना नहीं चाहते, ऐसा हम कुछ जानते बनते हैं। ये चौधरी साहब थे हमारे साथ, जो अपने काफी बिजी शेड्यूल से हमें वक्त दिए, आपका शुक्रिया। पहले हम जो पहले 2011 में मंत्री बने थे, हम कभी बोले ही नहीं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए। आपको सबसे पहले अपने बोले गए करीम ला मुख्यमंत्री, करीम ला मंत्री हो गए, वो अपने ही बोलती थी। इतना अभी मर्जी होगी तो बनाइए, और नहीं मर्जी होगी तो नहीं बनाइए, कोई बात नहीं, हम लोग काम करना है, बस काम करना, जनता के बीच में रहना। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर आपका।